केरला का क्या था इतिहास, 32,000 महिलाओं पर हुआ था अत्याचार। क्या बताइए द केरला स्टोरी। हालांकि कल ये फिल्म लगने वाली है सोना टॉकीज रक्सौल में, तो आप लोग जरूर देखेगा, लेकिन उससे पहले सोना टॉकीज के जो मालिक हैं उनसे बात करेंगे द केरला स्टोरी पर। हालांकि जो द केरला स्टोरी है उस पर बहुत सारा विवाद भी चल रहा है इस समय। अपना शौहर कबूल है? कबूल है, क्योंकि उसमें जो भी फिल्म बनाया गया है 32,000 महिलाओं को धर्म यानी कहें तो धर्म परिवर्तन का मामला है उस पर। तो हम चलिए बात करते हैं, हालांकि कैवे से फिल्म लगने वाली है, इस वीडियो में हम सब बताएंगे, लेकिन एक बार अवश्य जरूर इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि वीडियो को देखना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि आपके बच्चे का भविष्य और 32,000 महिलाओं का ख्याल रखते हुए, क्योंकि भारत जो हमारा देश है महिलाओं का हमेशा सम्मान करता है, और हालांकि जो जिस पार्टी से भी आते हैं उस पार्टी भी महिलाओं का सम्मान करता है और हमेशा हर वक्त प्रयास करते रहते हैं। सबसे पहले बिहारी खबर तक में आपका स्वागत है। हाँ, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। सबसे पहले बिहारी खबर तक चैनल के माध्यम से मैं इस क्षेत्र के सभी दर्शकों से, सोना टॉकीज और सोना सिनेमा हॉल के सभी दर्शकों से मैं आग्रह करता हूँ कि कल दिनांक 5 मई से सोना सिनेमा हॉल में द केरला स्टोरी नामक हिंदी फिल्म लगने जा रही है। बहुत दिनों के बाद एक जितेंद्र जी, आपसे मेरा सवाल है, द केरला स्टोरी क्यों सबकी की तोड़ सबको तोड़ रही है कमर? देखिए, ये द केरला स्टोरी एक ऐसी फिल्म है जो दर्शकों के बीच में रिलीज़ होने के पहले ही अपनी जगह बना चुकी है। कल से जब से ये घोषणा हुई कि ये फिल्म सोना टॉकीज में लग रही है, तब हज़ारों लोगों के फ़ोन मेरे पास आ चुके हैं। पूरा सोशल मीडिया हमारा सोना टॉकीज का पेज प्रोफाइल लोग एक कमेंट से भरा पड़ा है और बहुत सारे व्यूज़ मिले हैं इनसे, जो ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च हुआ है उसको और इसके फिल्म के पोस्टर्स को, और लोगों के तरह तरह के ख्याल हैं। बहुत लोगों का सोच इसके प्रति पॉजिटिव भी है, तो बहुत लोग की सोच नेगेटिव भी है। तो अब नेगेटिव से पहले मैं पॉजिटिव बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि एक ऐसी फिल्म है जिसमें ये दर्शाया गया है कि हजारों महिलाओं का धोखे से धर्मांतरण ब्रेन वॉश करके किया जाता है केरला में, और उसके बाद उन लोगों को का शोषण करके इस तरह से मजबूर किया जाता है या ज़बरदस्ती करके मजबूर किया जाता है कि वो आतंकवादी घटनाओं में भी सम्मिलित हो जाए। आइसिस जैसे आतंकवादी संगठन में वो जाके जुड़ जा रही हैं। ऐसी ये कहानी है इस फिल्म की। कुछ लड़कियों के को दर्शाया गया है, दिखाया गया है कि कैसे वो प्यार के चुंगल में फंसती हैं, उनका धर्मांतरण होता है और अपना शोषण सहते हुए वो आइसिस के चुंगल में फंस जाती है और आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हो जाती हैं। इसी के ऊपर ये पूरी फिल्म बनी है। तो मैं आप सबसे आग्रह करूँगा कि आइए देखिए और अपने बच्चों को आगाह करिए कि इस तरह की एक्टिविटीज़ में ना फंसे, किसी के बहलावे में ना आए और इस तरह के चीज़ों को अपनी संस्कृति से खिलवाड़ ना करें और दूसरी संस्कृति को ना अपनाएं। और हम आपको सब डायलॉग बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ हम बात कर लेते हैं, उसके बाद सारा मामला हम आपको समझाएंगे और इस पूरा जो टीजर लॉन्च हुआ उसको भी हम दिखाएंगे। और पहला मेरा सवाल है आपसे, जो पूर्व वहाँ के मुख्यमंत्री थे बी एस अच्युत्यानंद जी, उन्होंने बयान दिया था कि केरला जो है कि इसी ऐसा स्थिति हो गया कि आने वाले समय में वो यानी कहें तो मुस्लिम स्टेट हो सकता है, तो क्या लगता है कि वे मतलब जो अपना बयान दिए हैं, हालांकि इस बयान को भी काट दिया गया इस मूवी में से, सेंसर बोर्ड ने काट दिया, क्या लगता है कि सबसे बड़ा उनका विवादित बयान भी था, क्योंकि आप एक पार्टी से भी आते हैं? देखिए, अब मैं ये कहना गलत होगा कि उनका बयान विवादित था, क्योंकि उस स्टेट के मुख्यमंत्री रह चुके थे और एक स्टेट का मुख्यमंत्री जब किसी बात को कहता है तो ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ तथ्य ज़रूर होता है। हो सकता है राजनीति से प्रेरित हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये तथ्य है और ये सब लोग जानते हैं, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है कि केरल में धर्मांतरण हमेशा से महिलाओं का होते आया है, ये सत्य है। और ये तथ्य जो है कि कितने हजार महिलाओं का हुआ वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, ऐसी चीज़ें समाज में वांछित नहीं है, गलत है। हमारा संविधान भी कहता है, भारत का संविधान भी कहता है कि किसी भी धर्म का किसी दूसरे धर्म में धर्मांतरण वो गलत है, चाहे हिंदू इस्लाम अपनाए या कोई मुस्लिम
हिंदू धर्म अपनाए वो भी गलत। एक और सवाल है कि आप हाल ही में ईद बीता है, रोजा था और आपके यहाँ इफ्तार पार्टी भी दी गई थी और तमाम मुस्लिम भाई भी हैं और दूसरी तरफ कहते हैं हम धर्म सभी धर्म का सम्मान भी करते हैं और तीसरी जो मूवी भी चल रही है द केरला स्टोरी जो एक तरह से कहा जाए तो विवादित भी बहुत सारे लोगों का कहना है, मेरा नहीं कहना है क्योंकि ये काल्पनिक है और इस पर हम ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि काल्पनिक है, क्योंकि मूवी जब 3 घंटे की होती है तो 3 घंटा आदमी फॉर्म में रहता है जब देखता है फिल्म, तब उसके बाद छोड़ने के बाद में अपने फॉर्म में आ जाता है, अपने भाईचारा के फॉर्म में आ जाता है। तो क्या लगता है इस मूवी के देखने से कहीं ना कहीं लोगों को कुछ सीख मिल पाएगी? ज़रूर सीख मिलेगी जैसा आपने कहा और कि हम लोगों ने कुछ दिन पहले इफ्तार पार्टी रखी थी, सत्य है, मैंने कहा ना कि हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और हम अपने मित्रों का जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं उनका सम्मान करते हुए उनके लिए इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज़ किया था क्योंकि हम चाहते हैं कि वो अपने धर्म का अनुसरण बहुत अच्छे तरीके से करें। उसी प्रकार मैं ये भी चाहता हूँ कि अगर मैं एक हिंदू हूँ तो मैं अपने धर्म का, चाहे हमारे हिंदू संगठन के लोग, हमारे सनातन संस्कृति के लोग अपने धर्म का भी अनुसरण अच्छे से करें, किसी का किसी के धर्म में दखल नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना हो, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना हो। और यही यह फिल्म संदेश देता है कि कुछ छोटे से कुछ मतलब बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन जो लोग ये सब काम करते हैं, मैं इसके लिए पूरे समाज को दोषी नहीं देता हूँ, समाज के वैसे कुछ लोग हैं जो सबको बदनाम करते हैं और ऐसी कुछ घटनाएँ जिनके माध्यम से होती है और पूरा समाज कलंकित होता है, वो नहीं होना चाहिए, जिसका हमेशा से मैं पक्षधर रहा हूँ, सभी समाजों का सम्मान एक दृष्टिकोण से होना चाहिए। सबके तोड़ेगी कमर द केरला स्टोरी, फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार, कल आइए और देखिए फिल्म को, एकदम इसका लुप्त लीजिए क्योंकि सोना टॉकीज में लगने जा रहा है, कोरिया टोला आपको जस्ट अगर आते हैं थाने की तरफ से तो आपको दाहिने साइड में मिल जाएगा और फिल्म देखिए और इसका आनंद लीजिए और इससे कुछ सीखिए क्योंकि इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि बहुत सारे जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चियाँ होती हैं बहुत सारे झांसा में आ जाती हैं और कम उम्र में प्यार का प्रमाण चढ़ जाता है, उसके बाद पढ़ाई लिखाई सब चौपट हो जाता है। ऐसा ही बने रहिए हमारे साथ, ऐसा ही जानकारी आपको देते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।